प्री स्कूल डिवेलपमेंट ऑफ़ लैंग्वेज फॉर्म्स डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे प्री स्कूल लैंग्वेज डिवेलपमेंट फॉर्म्स के बारे में बात करनी है कि प्री स्कूल पीरियड में बच्चों की लैंग्वेज किस तरह डेवलप होती है और कौन सी फॉर्म्स होती हैं उसकी सो प्री स्कूल पीरियड इज़ अ टाइम ऑफ इमेंस ग्रोथ इन लैंग्वेज ये लैंग्वेज ग्रोथ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब बच्चे Uh, अपनी जो है वो तकरीबन ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट लैंग्वेज वो अपनी प्री स्कूल पीरियड में वो सीख चुके होते हैं सो वैकेबलरी इज़ एक्सपेंडिंग एंड द सिमेंटिक एंड सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर लैंग्वेज इज़ बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स यानी उनके अल्फाज मानी का नॉलेज और उनके ग्रामर के इस्तेमाल का नॉलेज जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है और वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है डे बाई द डे और विद द पैसेज ऑफ टाइम सो द चेंज इन लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ कागनेटिव स्किल्स और उनकी जो लैंग्वेज में चेंज आ रही होती है वो उनकी काग्नेटिव डेवलपमेंट यानी ज़हनी नश्वरमा को भी जाहिर करती है चिल्ड्रन आर कमिंग बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स थिंकर्स, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकर्स बनते जाते हैं जो जो उनकी लैंग्वेज ग्रो करती है और uh, वो क्यूरियस होते हैं अबाउट द लैंग्वेज नए अल्फाज नए नए ऑब्जेक्ट्स को नेम देने में नए अल्फाज सीखने में थ्री इयर्स ओल्ड में फॉलो अप टू पार्ट्स रिक्वेस्ट सच एज पुट योर पजामास इन द बास्केट एंड योर स्लीपर्स इन द सीक्रेट सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टू तो इन्हें दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और लर्न लर्न न्यू वर्ड्स क्विकली और नो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स नेम्स तो कॉमन ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को भी वो सीख लेते हैं यानी उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होती है प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स में सो अंडरस्टैंड जेंडर डिफरेंसेस, नो देयर ओन फुल नेम वो अपने पूरा नाम जानते हैं और जेंडर डिफरेंसेस को भी वो वाज तौर पर वो पहचानते हैं और फोर ईयरस ओल्ड नो द नेम्स ऑफ द कलर्स वो कलर्स के नेम्स को भी पहचानते हैं और कलर्स के नेम उनको उनकी समझ आती है उनको अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स दैट आर सेम एंड डिफरेंट यानी जो चीज़ें एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं उसके बारे में भी उनका शूर डेवलप हो चुका होता है तो ये प्री डेवलपमेंट फॉर्म्स हैं और वो डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं या वर्ड्स को बोलकर इन इन चीज़ों को वो ज़ाहिर करते हैं सो दैट आर डिफरेंट सच एज़ डिफ्रेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स यानी बड़ों में डिफरेंस और बच्चों में डिफरेंस ठीक है इस तरह जेंडर्स के लिहाज बॉयज़ एंड गर्ल्स में इस तरह उनके डिफरेंस को दे कैन स्पीक एंड दे कैन एक्सप्लेन देर विद द टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स और डिफरेंट uh, जो उनके uh, जैसे लैंग्वेज डिवेलपमेंट uh, की स्टेज़स हैं जो इस पर हम पहले तफसील से बात कर चुके हैं उससे वो सो द चिल्ड्रन कैन फॉलो थ्री स्टेप इंस्ट्रक्शंस मसलन सच एज गो टू द सिंक वॉश योर हैंड्स एंड ड्राई देम विद द टॉवल तो ये थ्री वर्ड्स इंस्ट्रक्शन हैं जो बच्चा जिसको समझता है और वो उनको अंडरस्टैंड करके उनके मुताबिक वो अमल करता है और ये प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज है इस पे वो उसकी लैंग्वेज यहाँ तक डिवेलप हो चुकी होती है फाइव ईयर ओल्ड में बच्चा अंडरस्टैंड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, सच गर्ल इज प्लेइंग बॉल द बॉय हु इज जंपिंग रोप तो इस तरह टू थिंग्स में या चीजों में वो एक रिलेशनशिप डिवेलप कर लेते हैं और वो उनको इस बात की समझ आ जाती है के कौन सा नाउन या क्या कर रहा है और कौन सी मतलब उनकी जो वर्ब का यूज़ है या जिस तरह है वो उसको समझ चुके होते हैं अगेन थ्री थ्री ईयरस ओल्ड में बिगन करेक्टली यूज़ ऑफ प्लूरल्स वो प्लूरल्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं प्रोनाउंस को यूज़ कर लेते हैं एंड प्रपोजिशंस मोर कंसिस्टेंटली फ्रीकुनटली आस्क वाई एंड वट यानी क्वेश्चन इंटरोगेटिव को भी वो समझते हैं और इन वर्ड्स के जरिए वो क्वेश्चन करते हैं वाई एंड वट और ऑफ़न यूज़ कम्प्लीट सेंटेंसेस ऑफ थ्री टू फोर वर्ड्स और फोर इयर्स ओल्ड में वो यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ वर्ड यूज सेंटेंस ऑफ फाइव टू सिक्स वर्ड्स तो मतलब जो पाँच चार और पाँच साल की एज में उनके सेंटेंसेस या इस हद तक डेवलप हो चुके होते हैं कि वो पाँच चार या चार या पाँच वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस जो बनाते हैं उसको वो बोल सकते हैं और उसको वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैन डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ हैपन टू देम और टेल शॉर्ट स्टोरी यानी वो उनके साथ जो कोई वाक़ा हो चुका हो या कोई स्टोरी हो वो उसको वो बयान कर सकते हैं यानी उनमें इस हद हाँ तक कुछ इमेजिनेशन और ये चीज़ें यानी लैंग्वेज की वो जो उनके ज़खीरे अल्फ़ाज़ में इस हद तक इजाफ़ा हो चुका होता है यानी जैसे पाँच साल का जो बच्चा है वो उसमें तक़रीबन पाँच से छः हज़ार वर्ड्स वो सीख चुका होता है और साढ़े तीन साल की एज में उसके अगर अल्फ़ाज़ जो हैं वो एक सौ पचास हैं तो अगले आ, मतलब सालों में वो बहुत ज़्यादा क्योंकि उस उस दौर में उसके आखिरी सालों में ये जो उसकी लैंग्वेज डिवेलपमेंट की रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाती है और वह सालाना पंद्रह सौ अल्फाज नए सीख रहा होता है सो कैन स्पीक क्लियरली एनफ टू द स्ट्रेंजर्स वो अजनबी लोगों के साथ क्लियरली बातचीत कर सकते हैं ऑल द टाइम और फाइव ईयर्स ओल्ड में यूजली कैन कैरी ऑन कन्वर्सेशन विद एन पर्सन तो किसी दूसरे शख्स के साथ वो बातचीत कर सकते हैं इवन टेलीफोन पर या इस तरह किसी भी तरह किसी से बातचीत कर सकते हैं वो उनको कोई मफहम कन्वे कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स या अपने घर बार के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो यानी इस हद तक उनकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होती है ऑफन कॉल पीपल आर ऑब्जेक्ट्स बाय देयर रिलेशनशिप्स टू अदर्स सच एज बॉबीज मॉम इंस्टेड ऑफ मिसेस स्मिथ तो कैन डिफाइन वर्ड्स सच एज स्पून और कैट यानी वो ऑब्जेक्ट्स को चीज़ों को उन सब को डिफाइन कर सकते हैं तो ये थी प्री स्कूल डेवलपमेंट लैंग्वेज फॉर्म्स जिस पे मैंने आपसे बात की